मामला खेत शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है। नगर पालिका ने शहर सीमा चुंगी के पास पिछले एक हफ्ते में जो सामान बिना टैक्स दिए जाने के कारण माल खाने में जब्त किया है, उसकी नीलामी टाउन हॉल में 12 मार्च को शाम 4 बजे की जाएगी। इस नीलामी से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अल्लाह खेत शहर के विकास के लिए किया जाएगा। लिहाजा जो भी सज्जन बोली लगाना चाहता हो वो बखत से टाउन हॉल पहुंच जाए। सुनो, क्या दम है यार इस पुर्दा की आवाज में? अरे दाचू, इस आवाज का जादू तो आज रात को देखना। अंगद बानर जाति कुल घाती उत्पाती, क्यों तुझे शर्म नहीं आती? जिसने तेरे बाप को मारा उल्टे तूने दिया सहारा। रावण लंका वाले मत वाले गम खा ले, तू अपनी जान बचा ले। सकल सुरासुर जीते हैं, बजाता इंद्र बाजा है, शिरोमणि संसार में भगत लंका का राजा है। अरे रावण, तुझे इतना घमंड? अगर बल है तो मेरा पैर उठाकर दिखा। मेरे नहीं, भगवान राम के पैर छू, तभी तेरा भला होगा रावण। वाह, हमारी तरफ से सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए 500 रुपए का नगद इनाम पूरन सिंह के लिए। पुर्दा, कल रात में यार तूने कमाल कर दिया। ऐसा लगा जैसे सच्ची में रावण की आत्मा तेरे अंदर आ गई थी। आ बैठ बैठ। नहीं नहीं साहब। अरे बैठ बैठ यार, आज से नहीं, बचपन से इसे देखता आ रहा हूं। देवता का वास है इसके शरीर में और कंठ में तो भोलेनाथ का सुर। जानता है तू, 30 साल पहले सरकार ने शहर को नगर पालिका में बदला था और यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, इस छत के नीचे इस टाउन हॉल की बिल्डिंग कभी नहीं बनती अगर ये पुर्दा नहीं होता। साहब क्या हुआ? कोई भी मजदूर यहाँ काम करने को राजी नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि सारे मजदूरों का मानना है कि अंग्रेज लायल साहब का भूत पीले रंग के घोड़े में बैठकर सालों से इस खंडर के चक्कर लगाता रहता है साहब। अगर इस बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ पर कुछ भी बनाया गया तो वो मजदूरों के परिवारों में अनिष्ट कर देगा साहब, विनाश कर देगा साहब। साहब एक ही रास्ता है। ए पुरन, ए पुरन। साहब ये पूरन सिंह है साहब, तल्ला खेत का रहने वाला है, सालों से गांव में पूजा अनुष्ठान का काम करता है साहब। अगर ये यहाँ पूजा करे तो वो भूत यहाँ से भाग सकता है साहब। चरो गाई
परमेश्वर चाचा चल तू रे परमेश्वर मालिक ये शगा बेरे परमेश्वर ये शगा क्या पूछा चाचा परमेश्वर बता 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 के जाना चाचा तू पूछ पूछ परमेश्वरा ये बिल्डिंग में भूत लग गया भूत भजन से मालिका तो मशान घर की नहीं गया परमेश्वर मालिका भाग्य रे ये मशान भाग्यो भाग्यो रे परमेश्वर सोच को ना छ गवा की नहीं गो भाग्यो कुणाई ने भाग्यो रे भाग्यो बालाना सिंगा तो गलगाडो मशाना भगवान भला करे ठेकेदार साहब का जो जाते हुए एसडीएम साहब से कहकर मेरी नौकरी यहां लगा गए अरे पुरदा अगर तेरी आवाज से उस दिन भूत नहीं भागता ना ना तो ये टाउन हॉल बनता और ना हमें यहाँ नौकरी मिलती क्यों रे सही कह रहे हैं जोशी जी आप अरे मुफ्त में अपनी आवाज़ सुनता रहेगा या कुछ काम भी करेगा बड़े बाबू वो वैसे भी तेरा वक्त अब खत्म हो रहा है कुछ मालूम है क्या उम्र हो गई है तेरी कल तेरी नौकरी का आखिरी दिन है और परसों तेरा रिटायरमेंट क्या सोच रहा है पुरंदा सच कह रहे थे बड़े बाबू मेरा बखत खत्म हो गया ये कैसी बातें कर रहा है तू मुझे रिटायर होने का कोई दुख नहीं दुख है तो बस इसका जिस दिन से यहां मुझे नौकरी मिली उस दिन से ये मेरा साथी बन गया लोग मेरी आवाज की खाली तारीफ करते हैं सच कहूं तो इसकी थापताल के बिना मेरी आवाज अधूरी है पर कल इसे माल खाने में जमा करना ही होगा तो तू बड़े बाबू से क्यों नहीं कहता वो यादगार के तौर पर इस नगाड़े को हमेशा हमेशा के लिए तुझे दे दे नहीं जोशी जी बड़े बाबू ऐसा कभी नहीं करेंगे ना जाने मुझसे क्यों खार खाते हैं उनकी चले तो इसे अभी माल खाने में जमा करवा दें अरे हाँ चेयरमैन साहब भले आदमी हैं वो मना नहीं करेंगे पर अब तो वो भी चले गए अरे नहीं वो अभी दफ्तर में ही है शायद कोई मीटिंग चल रही है हवलदारन तू समझती क्यों नहीं अब तू जा यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता मेरा विश्वास कीजिए चेयरमैन साहब होटल की जमीन मेरी अपनी है ये देखिए मेरे हवलदार के नाम पर दर्ज है उसने मन से 4 साल पहले म्युनिसिपैलिटी से लीज में ली थी ओहो हवलदारन तुझे कैसे समझाऊं ये जो तुम कागज दिखा रही हो ना ये सब जाली है अब इस जमीन को अगले सोमवार को नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता कल शाम तक की अपने होटल का सारा सामान वहां से निकाल लेना पर चेयरमैन साहब देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ मेरा वक्त खराब मत करो अरे सोमन ले जाए इसे निकाल यहां से बाहर ले जाए इसे क्षमा मुझे आप गलत कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं आपको मेरी हाय लगेगी आपका कभी भला नहीं होगा ये सब तेरा करा धरा है तेरा करा हुआ है ले भाई जमन सिंह तेरा काम तो हो गया अब इस हवलदारन की जमीन को तेरी होने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन बड़े बाबू का ख्याल रखना इसकी फाइल को ऑफिस से गायब करने में उसने बड़ी मेहनत की है ले तू यहां खड़ा है बड़े बाबू वो मैं तुझे पूरे ऑफिस में ढूंढ के आ रहा हूं ये ले पकड़ अपनी आखिरी मुनादी का कागज ये हवलदारन की जमीन की मुनादी का कागज है कल सुबह पूरे शहर में मुनादी कर देना जी और सुन मुनादी के बाद ये नगाड़ा मालखाने में जमा कर देना उसके बाद ही तेरी पेंशन के कागज बनेंगे हवलदारन
चेयरमैन साहब के साथ आज जो क्यों तू नहीं जानता बड़ा आया भला बनने वाला मेरा धुआं देखने आया है हैं तू भी तो उसी का दगड़िया है ये जो नगाड़ा लेकर तू इधर उधर घूमता है ना अपनी आवाज की घमंड में वो तेरी नहीं उसकी है जो पापी है अनिष्टकारी है लेकिन मैं तुम लोगों से डरती नहीं क्या कर लोगे तुम मेरा मेरी जमीन ही तो छीनोगे जाओ कर लो जो तुम्हारे मन में है ये जो नगाड़ा लेकर तू इधर उधर घूमता है ना अपनी आवाज की घमंड में वो तेरी नहीं उसकी है जो पापी है अनिष्टकारी है हमारी तरफ से सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए 500 रुपए का नगद इनाम पूरन सिंह के लिए खेत शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है आज से 30 साल पहले टाउन हॉल की बिल्डिंग बनते समय खंडहर में पूजा करके मैंने जिस अंग्रेज दयाल साहब के भूत को टाउन हॉल से भगाया था वो भूत फिर वापस टाउन हॉल में आ गया है पर इस बार उसका चेहरा बदला हुआ है वो भूत कोई और नहीं बल्कि हमारा चेयरमैन है जो हालदारन के होटल की वैध जमीन को हड़प कर अनिष्ट करना चाहता है इस भूत को टाउन हॉल से भगाना बहुत जरूरी है नहीं तो ये भूत धीरे धीरे पूरे शहर को निगल जाएगा कहते हैं उस दिन के बाद वो चेयरमैन तल्लाखेत शहर में फिर कभी नहीं दिखा।